हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? अभी रिंजू भाई साहब माने ही नहीं और ये गार्डन में आके बेंच पे आके बैठ गए। अब मैं उसको बेंच पे बिठाना नहीं चाह रहा था क्योंकि काफ़ी गंदी है बेंच, क्योंकि रंग पंचमी के बाद पूरा कलर ही लगा हुआ उस पर, बाद में साफ़ सफाई हुई नहीं। तो बीच में एक बार मैं बैठा भी था उस पर और वो सब कपड़े भी गंदे हो गए थे और मेरे को उस समय ध्यान भी नहीं था, रात का समय था तो बाद में पता चला, तो फिर मैंने बैठा ही नहीं। पर भाई साहब माने ही नहीं। ये देखिए आप, उसको ये बैठे हुए हैं भाई साहब, ये देखिए आप देख सकते कितनी गंदी हो गई है। अभी क्या है कि मैंने रिंजू को परसों ही नहलाया और गंदा होना चाह नहीं रहा था कि वो हो, पर ठीक है, अब देखेंगे। चले रिंजू, ये देखिए आप देख सकते ये भाई साहब कैसे हो गए, आगे से काले पीछे से सफ़ेद। भाई को अभी साफ करा पूरा, भाई साहब अभी खाना खा रहे, थोड़ा नाटक कर रहे थे। एक्चुअली अंडे ख़त्म हो गए इसके, तो हमने इसको थोड़ा आलू डाल के दिया है, बॉइल्ड पोटैटो, पर इसको समझाया तो खा लिया उसने। सो गाइस, आज हम साबूदाने की खिचड़ी और आमटी खा रहे हैं। ये एक्चुअली आज हमारा फास्ट है। फास्ट इसलिए है क्योंकि एकादशी है और जब पापा का मैंने पिंडदान करा था उस समय पंडित जी ने बोला था कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा इतने दिन के उपवास का, तो मैंने 5 का लिया था, तो ये हमारा चौथा फास्ट है। अभी एक और बचा है, हर एकादशी को लेना पड़ता है, मतलब एक साल के अंदर कभी भी ले सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी हम कुछ गाड़ी की सर्विसिंग कराने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले इस व्लॉग में बताया था कि गाड़ी एक्चुअली बार बार बीच में रुक भी रही थी, स्टिल अगर जैसे सिग्नल पे खड़ी रहती है तो हमको अब निकलना पड़ेगा इसके लिए। और आपको अगर हमारे अगर राइडिंग व्लॉग्स है, मोटो व्लॉगिंग के अच्छे लग रहे, तो आप हमारे MP09 राइडर के नाम से चैनल है, उस पर जाइए और पूरे हमारे वीडियोस को एंजॉय करें। और हमारे डेली व्लॉग्स हमारे आएंगे इसी वाले चैनल पे, स्वराज मौड़ीकर व्लॉग्स के नाम से है। तो आपसे जल्दी मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम भैया के गैरेज पे आ गए हैं और अभी गाड़ी हमारी सर्विसिंग पे गई है धुलने, तो शायद 1.5 घंटा का समय लगेगा। और बाकी उसमें कुछ आगे के बुशेस में भी प्रॉब्लम है, तो भैया से हम बात करवाते हैं आपकी क्या क्या दिक्कत है गाड़ी में। तो गाइज, अभी भैया बताएंगे आपका नाम। मेरा नाम बिट्टू ऑटोमोबाइल्स के नाम से है, मोहम्मद इशाक है। थोड़ा ऊँचा बोल, मोहम्मद इशाक में है नाम। हाँ, बिट्टू ऑटोमोबाइल्स के नाम से शॉप है आपकी। इसमें गाड़ी में क्या क्या काम कराना है अभी अपने को? अभी अपनी गाड़ी के अंदर सर्विसिंग का काम होगा, ऑयल बदलाएगा, आगे के लीन पूछ साका पूछ का काम होगा उसके अंदर, और फिल्टर वगैरह साफ होएगा। बाकी तो ब्रेक वगैरह तो सही है, ब्रेक सब टाइट वगैरह हो जाएंगे अभी तो। हाँ, तो फिर भी कितने का खर्चा आ जाएगा अपने को आसपास इसमें? समझो 800-850 रुपये करीब का खर्चा बैठ जाएगा। ठीक। तो गाइस, अभी हम भैया की शॉप का थोड़ा वीडियो ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों के काम भी चल रहे हैं, और भैया भी थोड़े बिजी है, कुछ आपको दिखाते हैं हम। काफ़ी एक्सपर्ट भैया है ये, और हर चीज़ का इनके पास सॉल्यूशन रह लेता है टू व्हीलर से रिलेटेड। ऐसे भैया रीसेल बाइक में भी डील करते हैं, बाइक स्कूटर में रीसेल परचेस का काफ़ी अच्छा काम है इनका। तो गाइस, अभी हमारी गाड़ी आ गई है और काम चालू हो गया है उसमें, आप देख सकते हैं। एक काय का काम चल रहा है इसमें? ये क्लच सर्विस हो रहा है। क्लच का सर्विसिंग हो रहा है क्या? अच्छा, ये क्लच ही वाला रहता है क्या इसमें? क्लच। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्लच है। काफी सिस्टम बना रहता है गाड़ी में।
तो अभी हमारे बुशेस का काम चालू हो गया है आगे का, और इधर भी पीछे क्लच प्लेट का काम चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा नया सेट आ गया है, बुशेस और शॉक ऑफ बुश, और इसमें काम चालू हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये ऑयल निकल रहा है, काफी काला हो गया है। तो हम ये वाला ऑयल डलवा रहे हैं, कैस्ट्रोल का 20W40 है, फुल्ली सिंथेटिक है ना ये। तो अभी भैया क्लीनिंग कर रहे हैं, जो हमारे गाड़ी पे रंग लग गया था रंग पंचमी के दिन, तो उसको पूरा साफ भी कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी कलर लगा हुआ था। तो भाई अभी हवा चेक हो रही है, हो गई बराबर? हाँ। कितनी भरी है? 25? 25। तो आगे हमने 25 भरवाई है, और अभी पीछे के टायर में भी हवा चल रही है, पीछे के टायर में 25 थी, और कायदे से कितनी? 35-40 डलती है ना? 35-40। सो गाइस अब हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंप्लीट करी है भैया ने, ब्रेक भी इसके काफ़ी टाइट हो गए हैं जो लूज़ हो रहे थे। सो गाइज अभी हम गाड़ी का काम करा के आ गए हैं, और वहाँ से मैं एक्चुअली नोवल्टी मार्केट गया था, मेरे को कुछ मोबाइल का काम कराना था। एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे मैं मोबाइल की शूटिंग कर रहा हूँ तो जो वीडियोस है बाद में डिलीट करते तो पर उसका जो स्टोरेज है इंटरनल मोबाइल से हट नहीं रहा और वो बढ़ते ही जा रहा है, तो उसका मेरे को दिखाना था। तो मैं बंदे से मिला था उधर पर, वही दिक्कत है, उसने बताया कि इसमें तो R&D करना पड़ेगा, हमको नहीं पता, आप रिसेट कर दीजिए, इसका सॉफ्टवेयर चेंज करवा दीजिए। मैंने कहा सॉफ्टवेयर तो मैं चेंज कराऊंगा नहीं, ना तो पूरा कंपनी का जो ओरिजिनल मेड है चीज़ सॉफ्टवेयर की है जो भी है तो वो पूरी बिगड़ जाएगी, और रिसेट करना है तो मैं घर पे ही कर लेता, पर मैं कितने दिनों में रिसेट करूँ बार बार। तो इसलिए अभी हम क्या है कि खुद ही है ना लैपटॉप पे बैठ कर उस पर R&D करते हैं, और समझते कि ये डाटा जा कर रहा है कि मेरे मोबाइल से स्टोरेज कम नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ हमको हार्ड डिस्क के लिए एक हमारी ये लेना था कनेक्टर लैपटॉप से जोड़ने के लिए, तो वो कनेक्टर मिल नहीं रहा था काफ़ी, तो मैंने सिल्वर मॉल में जाके लिया उसको, पर ये है कि उसकी ये नहीं पता कि जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि मैंने लेनोवो के शोरूम पे जाके देखा था तो उन्होंने बताया कि ये लेनोवो कंपनी खुद नहीं बनाती है, तो आप दूसरे जो भी एसेसरीज मोबाइल एसेसरीज वाले लैपटॉप एसेसरीज वाले उसके चले जाए वो दे देंगे। तो एक दो जगह देखी मैंने, तो उसमें एक चीज़ समझ में आई कि एक डायटोन कंपनी का है, पर एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता कि सही है कि नहीं। मैंने उसको कनेक्ट तो करके देखा था, तो अभी हम थोड़ी देर में उसको चला के देखेंगे फिर समझेंगे कि कैसा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। फिर बाकी अभी हम घर पे आ गए हैं, बीच में हमने खिचड़ी पैक कराई थी साबूदाने की, क्योंकि आज वैसे भी हमारा उपवास है मेरा और मम्मी का, तो दो खिचड़ी पैक करा ली हमने, और अब उसको ही खाते हैं। आपको अभी उसका जल्द अपडेट देते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सो गाइस ये हमारी साबूदाने की खिचड़ी है, बड़ी यम्मी लग रही है, और ये पेड़े और ये बूंदी के लड्डू है। एक्चुअली मम्मी है ना उधर गई थी, क्या बोलते हैं खजराना गणेश मंदिर काफ़ी फेमस है, तो किसी काम से गई थी तो आसपास ही तो मंदिर होके आई, तो उधर से पेड़े भी लेके आई थी। तो अब हम हमारा खाना खाते हैं और आपसे मिलते। ये देखिए ये रिंजू भाई साहब यहीं पे बैठे हुए, बोले मेरा क्या, हर चीज़ में है ना ये खुद भी खाना खा लेता है, फिर हमारे पास जब हम खाना खाने बैठते तब आ जाता है मेरे को भी दो बेटा, तो आपके लिए मीठा अच्छा नहीं है ना। चलो अभी हम रिंजू को घुमाने लाए इवनिंग वॉक पे। अभी एक दिक्कत और हो गई है, एक्चुअली क्या हुआ मैंने आपको बताया था, जैसे कि मेरे मोबाइल के स्टोरेज का दिक्कत चल रहा है, तो मैं मेरे डिवाइस से मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे मोटो व्लॉगिंग के चैनल का है, और क्योंकि मेरे मोबाइल स्टोरेज में इतनी स्पेस ही नहीं है, तो
फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, डायरेक्ट जो कैमरा है उससे मैं लैपटॉप में कनेक्ट करके उसको डाटा को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब दिक्कत ये हो गई है कि इसकी जो केबल है थोड़ी यूनिक केबल है, क्योंकि जो लैपटॉप में लगने वाली वो तो ठीक है, वो तो जो नॉर्मली है USB, पर अपनी वाली जो उसमें जो केबल लगती है उसका जो कनेक्टर है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब वो कहीं मिल नहीं रही है। अब चार पांच दुकानों में देखा मतलब, तो उन्होंने ये एक चीज़ बोली कि आपको उसके लिए नोवल्टी मार्केट ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अरे मैं आज ही सुबह जाके आया नोवल्टी मार्केट, मतलब दिन भर उस तरफ ही था और अब ऐसी चीज़ हो गई है। अब क्या करें, अब देखते हैं, अगर अभी टाइम मिला तो जाके लेके आएंगे, पर अभी हमको जिम भी जाना है, नहीं तो फिर कल जाना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है ये हमारा जो वीडियो है थोड़ा लेट अपलोड हो, पर हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखो भैया, अभी बिन मौसम बरसात चालू हो गई है, ऐसे सुबह धूप थी, दिन में मौसम थोड़ा ठीक हो गया, अभी शाम को थोड़ा कूल हो गया टेम्परेचर और अब पानी चालू हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम वापस से भीगने वाले हैं। ये हम और हमारे रिंजू भाई साहब चल रहे हैं, ये देखिए उसको तो कोई टेंशन नहीं हो तो मज़े में लेता है, बोले गीला भी हो गया तो मेरे को क्या करना, आप हो पूछोगे? मैंने कहा ठीक है यार। तो अभी हम जाके आए नोवल्टी मार्केट, पर कोई सेंस नहीं निकला क्योंकि वो जो कनेक्टर था वो मिला ही नहीं। और भैया ने मेरे को सजेशन दिया कि आप जो SD कार्ड निकाल के कार्ड रीडर में डाल के सीधे लैपटॉप में फिट करिए। मैंने कहा वो तो मैं कर सकता हूँ, पर उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि एक तो उसके ऊपर मोड लगा है कैमरे के ऊपर, तो वो पूरा सेट निकालो फिर उसका उसको खोलो, और मेरे को थोड़ा डर भी लगता है कि SD कार्ड अगर अपन बार बार खोलेंगे और निकालेंगे डालेंगे कहीं करप्ट नहीं हो जाए, मतलब डाटा नहीं चले जाए, तो फिर वो थोड़ी मेहनत बिगड़ सकती है, इसलिए तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक को बोला है तो शायद वो 2-3 दिन लगाएगा एटलीस्ट लाने में, बाहर से आएगा वो, तो समझते हैं हम। और अभी जैसे कि आज हमारा उपवास था तो हमने नगर निगम तरफ गए थे, नोवल्टी मार्केट से लगा हुआ है, तो वहाँ पे रवि अल्पार की काफ़ी अच्छी शॉप है, वो कुछ फलियारी आइटम बनाते हैं उपवास के लिए, पर वहाँ पे भी देखा तो सारे जो भी उनका जो स्टॉक था खाने पीने का सब ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा आज का दिन लगता है ऐसा ही गया है। फिर मैं घर के आसपास ही गया तो फिर वहाँ से मैंने परचेस करा है क्या बोलते साबूदाना वड़ा, अब वो खा रहे हैं और आपको बताते हैं। तो आप ये दे सकते हैं, ये फरियाली साबूदाना वड़ा है, ये दही दिया उन्होंने, ये हरी चटनी और ये इमली की चटनी है, और इसके साथ ये कुछ उन्होंने मसाला वसाला दिया है इसमें डालने का, पर हमको फरियाली कचौड़ी ही नहीं मिली, उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो ठीक है। तो गाइस अभी हम रिंजू को घुमाने लाए हैं, पता नहीं यहाँ पे ना कुत्ते बहुत सारे रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ है ना, अभी वापस से बूंदाबांदी चालू हो गई है, पता नहीं क्या है कि जब मैं ना बाहर निकलता हूँ तभी बूंदाबांदी चालू होती है क्या, ऐसे मैं घर में बैठा था तो जब कुछ नहीं होता, बाहर निकलता तभी होता है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब हम आपसे जल्दी मिलते हैं। अगर आपको गाइस प्लीज़ अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है नया कंटेंट बनाने के लिए। तो जल्द आपसे मिलते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, बूम।